गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज आपका बम्बू ब्लॉगर फिर से आपके लिए हाजिर है। और आज मैंने सोचा था मटका पिज़्ज़ा कुछ ऐसा निकला है, नया कॉन्सेप्ट है मटका पिज़्ज़ा। तो गाइज मैं सोचा आज जाके खाता हूँ मटका पिज़्ज़ा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। वहाँ से मेरे को ऑफर आया है कि एक नया कॉन्सेप्ट है भाई, हमारे यहाँ पे आओ विजिट करो। तो मतलब चलो एक शूट भी कर लेता हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगा मटका पिज़्ज़ा कैसा दिखता है, क्या टेस्ट है और कौन सा फ्लेवर ऐड है अंदर। तो आज चलते और देखते हैं। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आशिक चाय के पे। तो ये चाय के लिए भी फेमस है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो पिज़्ज़ा मटका इसने ओपन किया है अभी शॉप पे, नया कॉन्सेप्ट है कुछ पिज़्ज़ा मटका। तो गाइस इसे आप देख सकते हैं पीछे आशिक चाय के। सो गाइस आप लोगों को दिखाता अभी, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी बारबेक्यू चीज़ पिज़्ज़ा दिया हूँ मैंने ऑर्डर। तो गाइस देखते हैं अभी भाई कैसा बनाते हैं बारबेक्यू चीज़ पिज़्ज़ा। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं। तो भाई ये क्या कट कर रहे हैं आप? पनीर। तो ये पनीर है, ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बेस है। पिज़्ज़ा बेस को भी चॉप कर रहे हैं और ये बाजू में पनीर रखा हुआ है। और ये मिक्स वेजिटेबल है। तो ये अमूल बटर है भाई बोल रहे हैं। अच्छा ये सब वेजिटेबल डाल रहे हैं, वेजिटेबल और पनीर है। और आप देखे हो कितना मस्का डाले उन्हें। मिक्स वेजिटेबल है, पनीर भी अंदर, मस्का है। तो ये कौन सा सॉस है? बाबी की सॉस डाल रहे हैं, ये बाबी की सॉस है। और ये कौन सा सॉस है? ये येल्लो का स्पेशल सॉस है। और अभी ये पिज्जा का ब्रेड उसमें डाल दिया है चॉप करके। ये मोज़रेला चीज़ है। तो गाइस ये मटका है, तो ये वॉश हो रहा है अभी देखो। ये क्या और ऊपर से टॉपिंग हो रही है मोज़रेला चीज़ की। तो देखो आप लोग काफ़ी चीज़ डाले इन्होंने।
ये क्या है? ब्लैक ऑलिव है, ये चिली फ्लेक्स है, ये क्या है? क्या पिज़्ज़ा मिक्स। और अभी ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी पिज्जा आ चुका है। तो गाइस आप टेस्ट करते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं कैसा है। तो गाइस काफ़ी टेस्टी भी है, स्वीट है और स्पाइसी भी है, बराबर फ्लेवर है। तो गाइस आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए। तो काफ़ी टेस्टी है, पनीर वगैरह है अंदर, आप लोग देख सकते हो। चीज़ देखो आप लोग, तो गाइस काफ़ी टेस्टी है। और ये बॉम्बे में पहली बार मैंने खाया ऐसा मटका पिज्ज़ा, आप लोग भी खा सकते हो आके। तो खाते और बाद में मिलते। तो गाइस पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था और सॉफ्ट भी था, अंदर चीज़ भी काफ़ी था, पनीर भी लोगों ने बहुत काफ़ी डाले हुए थे और स्पाइसी भी था, स्वीट भी था। तो गाइस बहुत अच्छा लगा मुझे पिज़्ज़ा यहाँ पे खा के। और मुंबई में मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ खाया हो, तो आप लोग भी आ सकते हो। मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँगा किधर है, कौन सी प्लेस है। ये लोकेटेड है शिवाजी पार्क दादर में, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा पूरा एड्रेस। बस अभी मैंने देखा लोगों के मेन्यू कार्ड में चाय का भी है, तो काफ़ी लोग चाय के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के वैराइटीज़ हैं। तो गाइस चाय भी मैं ट्राई करूँगा चाय, तो आप लोगों को दिखा दो लोगों के रेट भी बहुत रीजनेबल है चाय के, और चाय देखते हैं टेस्ट करके चाय कैसी है। तो गाइस आप लोग जब तक इनका रेट भी चेक कर लो। तो आप लोग चाय के देख सकते हो वैराइटी, अलग अलग फ्लेवर है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी पहली बार रबड़ी चाय मंगा के देखता हूँ। और यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर की भी चाय है, रोज़ फ्लेवर चाय है, काफ़ी फ्लेवर है। सो गाइस चलते और ट्राई करते कौन सी भी एक चाय का। तो गाइस मैंने अभी चाय में फ्लेवर में दिया ऑर्डर, तो मैंने ऑर्डर दिया चाय का फ्लेवर है कोई एक रबड़ी चाय है और एक चॉकलेट फ्लेवर चाय है, दो चाय ऑर्डर दिया। तो गाइस चाय पीते और बताते आप लोग को कैसी है चाय भी, तो आप लोग चाय भी आके ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये मैंने चॉकलेट मंगाया हो और ये रबड़ी चाय, चॉकलेट चाय और रबड़ी चाय। तो गाइस टेस्ट करते हैं, और मेरे कज़न के साथ में आया हूँ मैं, तो कज़न अभी ट्राई करेगा रबड़ी, मैं ट्राई करता हूँ चॉकलेट। तो गाइस चाय भी बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे चाय की भी वैरायटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है और अलग कॉन्सेप्ट है, हटके कॉन्सेप्ट रखा है इसमें। तो गाइस आप लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगी चाय भी मेरे को, और अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर की चाय है। तो गाइस मिलते हैं बाद में। और गाइस आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अभी मेरा 100 सब्सक्राइबर के ऊपर हो गया है। गाइस ऐसी और सपोर्ट करते रहना मेरे को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना, अच्छा लगा रहेगा वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।